सोचने के बाद भी इतने सालों में मैं ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। इनिशियल स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा बजट होगा, QHT और सारे डिटेल्स मुझे बताया गया। अभी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने हमको बताया है 2,000 से 2,500 ग्राफ आपके लगेंगे। ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस ग्राफ को मेंटेन कैसे करना है। हेलो, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा जो कि छत्तीसगढ़ बेस है और पैन इंडिया में हम लोग काफ़ी बड़े स्केल पे काम करते हैं। हेयर लॉस हमारा शायद 12-13 साल पहले से स्टार्ट हुआ था और मैंने कई जगहों पे दिखाया भी, बहुत ज़्यादा मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिला। एक्चुअली ये हमारा जेनेटिक है, जो हमारे पापा का जिस स्टाइल से गया था उस स्टाइल से हमारा भी मतलब जा रहा था। और काफ़ी सोचने के बाद भी इतने सालों में मैं ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। काफ़ी मैंने वीडियो देखे और उसमें QHD को भी मैंने देखा, काफ़ी सेलिब्रिटी ने यहाँ पर करवाया हुआ था। इनिशियल स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा बजट होगा QHD, बट वो भी मुझे बड़ा किफ़ायती लगा। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा यहाँ से, और मैं आज यहाँ आया हूँ। और आने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी और बिल्ड हो गया है और मेरे जो डर थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। मैं पिछले 15 साल से कंटिन्यू फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मल्टीविटामिन लेता हूँ, सारे चीज़ों को मैं प्रॉपर करता हूँ। हेयर लॉस के अलावा हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है और बस यही एक कमी था, तो मैं उसको दूर करने के लिए यहाँ आया। ट्रांसप्लांट हमारे दिमाग में आने के बाद मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, गूगल में हमने सर्च किया और QHD का मैंने डिटेल्स भी देखा, यहाँ के जो पेशेंट थे उनके कॉन्फिडेंस देखे, उनके वीडियोस देखे, उससे मेरे को लगा कि यहीं पर करवाना चाहिए और इसलिए मैंने डिसाइड किया। मैंने एक्चुअली QHD के वीडियो को देखा और उसमें एक कॉन्टेक्ट नंबर था जिस पे मैंने कॉन्टेक्ट किया, फिर इन लोगों ने हमको फॉलो किया और इन्होंने हमारे पिक्चर और सारे डिटेल्स जो मेडिकल के हैं सारे इन्होंने मंगवाया और सारे डिटेल्स मुझे बताया गया। अभी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने हमको बताया है 2,000 से 2,500 ग्राफ आपके लगेंगे। आगे मैं अभी डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा कि कैसा है। यहाँ का पर्यावरण काफ़ी साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है, हाउसकीपिंग अच्छा है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं डॉक्टर से मिलूँगा, कितने एक्चुअल ग्राफ लगेंगे, नेचुरल लुक आने के लिए किस तरह से वो हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को डिज़ाइन करते हैं, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं उनसे करूँगा और उसके बाद इस एक्सपीरियंस को मैं आप सबसे शेयर करूँगा। थैंक यू। फाइनली हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और ये QHD सिस्टम से हुआ है। टोटल हमारे जो ग्राफ है 2,500 ग्राफ लगाए गए हैं। फर्स्ट डे हमने यहीं पर ब्लड टेस्ट वगैरह जितने भी टेस्ट होते हैं वो हमने यहीं पर करवाया था, इसलिए फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा लेट हुआ सर्जरी स्टार्ट होने में। तो कल हमारा 50% हुआ था और आज फाइनली मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और कोई किसी तरह का ज़्यादा पेन या कुछ ऐसा होता नहीं है, जितनी घबराहट हो रही थी सो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ काफ़ी सपोर्टिंग हैं, सर्जरी के बीच बीच में भी पूछते रहते थे कहीं से पेन तो नहीं हो रहा है, आपको वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, जूस लेना है या इस तरह का,
काफ़ी सपोर्ट किया है उन्होंने, और इस तरह का किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरह और भी जो भी लोग हेयर फॉल को सफ़र कर रहे होंगे या जिनके बाल आगे से या कहीं से भी जा चुके होंगे, तो वो बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका यूएसटी, जहाँ से मैंने अभी करवाया है। ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस ग्राफ को मेंटेन कैसे करना है, कब उसको स्प्रे करना है, हर 2 आवर्स पे सोने से पहले स्प्रे करना है, और डोनर एरिया में वॉश करके उसको क्रीम लगाना है, और 5 डेज का इन्होंने मेडिसिन दिया है। 5 डेज के बाद यहाँ हेयर वॉश करना है, चाहे आप यहाँ आ सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं, इन्होंने बताया कि कैसे करना है शैम्पू। और 1 महीने के बाद फिर से मेडिसिन इन्होंने 1 महीने का दिया है, जिसको स्टार्ट करना है। ये 5 दिन के मेडिसिन के बाद आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, पूरे 1 महीने के बाद आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है, जो कि दिया गया है। चलिए फिर हम मिलते हैं, हमारे फर्स्ट जो PRP सेशन होगा उसमें हम मिलेंगे। थैंक यू QHD और सारे स्टाफ को। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।